वेल डन पाकिस्तान, वेल डन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, वेल डन पाकिस्तान क्रिकेट मैनेजमेंट कमेटी। ये हुई ना बात, आखिरकार घुटने टेक ही दिए, घुटने टेकने ही थे मेरे भाई, क्योंकि बड़े अरसे के बाद तो ऐसी चीज़ देखने को आई थी कि स्ट्रॉन्ग डिसीजन और स्ट्रॉन्ग और फर्म स्टैंड लिया था हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नजम सेठी साहब ने। वेरी वेल डन नजम सेठी साहब और आपकी पूरी टीम, एक्सीलेंट जॉब, वेरी वेल डन। ये पूरी दुनिया में मैसेज गया कि हम पाकिस्तानी ऐसे हैं कि हम जब डट जाएं, हम इतने कमिटेड लोग हैं, अपनी इन्वॉल्वमेंट इतनी शो करते हैं, हम जब जिस पीच पे स्टैंड ले लें तो उसको अचीव करके ही रहते हैं। वेरी वेल डन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगेन। मैं इसलिए ये सब कुछ कह रहा हूँ कि दुनिया में जितना एक चर्चा हो रहा था, बोलबाला हो रहा था कि एशिया कप पाकिस्तान की बात मानी जाएगी, नहीं मानी जाएगी, हाइब्रिड मॉडल तस्लीम किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, आखिरकार इंडिया के घुटने टेक नहीं पड़ गए कि एशिया कप का जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट कमेटी ने जो एक हाइब्रिड मॉडल पेश किया था, वो मॉडल के बारे में बता दूं पहले कि मॉडल ये था कि जी के पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश अपने मैचेस पाकिस्तान में खेलेंगी और इंडिया के साथ तमाम मैचेस, और पाकिस्तान भी इन टीम तमाम टीम के साथ चार्टर्ड प्लेन में दुबई फ्लाई करेगा और बाकी के तमाम मैच दुबई में होंगे और फाइनल भी दुबई में खेला जाएगा। लेकिन बाद में कुछ चीज़ें देखने को आई, श्रीलंका की खामोशी, बांग्लादेश की खामोशी, तमाम एशियन क्रिकेट बोर्ड्स जो एशिया कप की टीम्स उनके बोर्ड की खामोशी देखने को मिली। चलिए कोई बात नहीं, पैसे में बड़ी ताकत है, बड़ी लचक है, पैसे में अपनी तरफ खींच लेता मकनातीस की तरह, लेकिन सच की जीत हुई, हक की जीत हुई। मेज़बानी के बीच में से काम शुरू हो गया था, सुनने में आ गया था कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड जो मेज़बानी के लिए पर तोल रहा है। चलो कोई बात नहीं, श्रीलंका हमारे अच्छे दोस्तों में आता है, कोई बात नहीं, मेज़बानी उनको हमने कहा, हमने कुछ भी उनके अगेंस्ट नहीं बोला ना सुना गया, क्योंकि श्रीलंका के मास हमारे से अच्छे मरासिम है, वी आर गुड फ्रेंड्स, वी आर गुड क्रिकेटिंग फ्रेंड्स, वी आर गुड नेबर्स, तो हमने कहा चलें कोई बात नहीं, लेट डेम डू दी प्रिपरेशन फॉर द एशिया कप। सो अभी तक ये बात आपको बता दें जी कि पता लगा है, सुनने में आया है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ जल्द अनाउंस भी हो जाएगा कि इंडिया ने घुटने टेक दिए हैं और पाकिस्तान के एशिया कप के पहले के मैच, शुरू के मैचेस पाकिस्तान में खेले जाएंगे। जो हाइब्रिड मॉडल था उसको तस्लीम कर लिया गया है एशिया के तमाम टीम्स की जानिब से, और बाकी तमाम मैचेस दुबई में नहीं, अब श्रीलंका में होंगे और फाइनल भी श्रीलंका में ही होगा। तो ये बहुत ही बेहतरीन बात है, अगर पाकिस्तान इंडिया फाइनल में पहुंची है तो फाइनल श्रीलंका में होगा। वेरी वर्डन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, वेरी वर्डन पूरे पाकिस्तान क्रिकेट कम्युनिटी, पूरे वर्ल्ड में पाकिस्तान का चर्चा हुआ, बोलबाला हुआ, ये पाकिस्तान की जीत हुई है। हमें ऐसे स्ट्रॉन्ग लीडर चाहिए, ऐसे स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन चाहिए जो पाकिस्तान के लिए स्टैंड लें, ना कि एक फर्द वाहिद की तरह जो मैंने कह दिया वो होगा, ऐसे नहीं, ऐसे कर लो। पूरी टीम का टीम वर्क हुआ, प्रॉपर सीटिंग हुई, डिस्कशंस हुई, डिबेट्स हुई, और आखिरकार बड़ा कुछ सुनने में आ रहा था जी कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन नहीं, हक सच की जीत हुई। नजम सेठी, वेरी वेल डन, पूरी टीम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इस मुबारक के मुस्तहिक है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम भी, कि सब ने बेहतरीन तरीके से अपने फ़राइज़ अंजाम दिए और अल्लाह के फजल करम से हाइब्रिड मॉडल जो पाकिस्तान ने पेश किया था उसको तस्लीम किया गया है। और आपको बताते चलें कि पाकिस्तान क्रिकेट ने ये आंखें भी दिखाई थी कि एशिया कप की मेज़बानी, पाकिस्तान एशिया कप की मेज़बानी, ये चीज़ें पाकिस्तान की मानी जाएंगी तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप में इंडिया जाएगा, अदरवाइज सलामुअलैकुम, ऐसी बात सुनने में आई थी। तो वेरी वेल डन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगेन। और आपको बताते चले कि एशिया कप जो है अब वो पाकिस्तान में भी उसके मैचेस होंगे और बकिया के मैचेस जो हैं वो इंडिया के साथ जो मैच खेले जाएंगे, जो उनकी इंडिया के अपने लुच तोल रहे थे हमेशा की तरह, ये ना हो वो ना हो, आखिरकार हो गया जे भाईजान, पाकिस्तान जीत गया जे, क्रिकेट की जीत हुई है, क्रिकेट की बात हुई है और हक की बात हुई है। वेरी वेल डन अगेन, तमाम क्रिकेटिंग हलकों के मुबारक हो के पाकिस्तान ने झंडा गारा है, दयारे गैर में जा रहा है हमेशा जाके, इस बार भी पाकिस्तान ने वही किया। वेरी वेल डन अगेन, और इंशाल्लाह ताला बड़ी उम्मीद है कि खुश सलूबी से तमाम एशिया कप पाकिस्तान में बेहतरीन मैचेस होंगे और श्रीलंका में मैचेस होंगे, हम श्रीलंका के साथ हैं क्यों, दे आर गुड फ्रेंड्स, और बड़ी उम्मीद है कि पाकिस्तान एशिया कप उठाएगा इंशाल्लाह ताला। वेरी वेल डन अगेन, तमाम कौम को, तमाम पूरी दुनिया को, पाकिस्तानी में तमाम को बहुत मुबारक, वेल डन।